हाँ जी भाई, की हाल चाल? ठीक हो सारे? अमेजोन तो अज एक हेलमेट ऑर्डर करया सी, अज आ गया है। एक गोप्रो ली गिम्बल दे नाल ही स्टैंड, ये अज हेलमेट की अनबॉक्सिंग करांगे ते मोटो ब्लॉगिंग करना शुरू करांगे जल्दी। ते उस तो पहला अज मेरा सिविल हॉस्पिटल दे विच मेडिकल है, मेडिकल करा के आके फिर तुहानू अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। सर्विस होने वाली है, कल सर्विस करवाएंगे। कोरोना पेशेंट ने काफ़ी इतनी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा, मेडिकल करवाना भी जरूरी है। आज दी डेट दे विच कल सबमिट करवाना मेडिकल। सैनिटाइजर वगैरह नाल पॉकेट दे विच पा के लेके जाऊंगा, तो देवांगे थानू पूरी रिपोर्ट। दो तीन घंटे लग जाएंगे, एक हाथ नाल काम करूंगा, एक हाथ पॉकेट दे विच पा के रखूंगा। हाँ जी भाई, फाइनली हो गया मेडिकल। 3 घंटे लग गए, 1:30 बज गया, 3:30 घंटे लग गए, बहुत जल्दी होया। बस यार सिस्टम ही बड़ा वधिया हो रहा। पहला तो मैनू आए सीगा कि अज की मतलब खड़े रखे अद्धा अद्धा घंटा साइन नहीं करे लाइन च रखे। 7-8 डॉक्टर ने किता होना किते होने साइन तो मिनटों मिनट, उसने टाइम नहीं लाया। बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया, फर्क तो पै रहा इंडिया च है ना, हौली हौली वधिया सीगा। बस बिल्डिंग तो जिमें लैब तो ट्रोमा सेंटर जाना, ट्रोमा तो ECG वाले च जाना है, उस चीज़ और डिपार्टमेंट च टाइम लग गया, कदे इधर कदे उधर। और डिपार्टमेंट च जाके साइन बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी यार, बहुत फर्क पै रहा यार, वधिया हो रहा। हूँ तो सिविल हॉस्पिटल अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चलो ओके, मिलते हैं भाई, उन्होंने उसकी हेलमेट की अनबॉक्सिंग करते हैं, घर जाके मिलते हैं। हाँ जी भाई, स्टील बर्ड एयर SBA 2 हेलमेट मंगाया सी अमेजोन तो। CBRM मेरे को थोनों सुबह दिखाई सी ना छोटी जी क्लिप, वो आप कल कट्ठे सर्विस करा जावे, मैं भी जाऊँगा, तुम भी सारे नाल चलना मेरे। इस तो पहला होंगे सके उदों इन्ना बाइक का शौक ही नहीं रहा, शौक ही हमेशा जीपा कारा का रहा। तो आ फस्ट टाइम इन्ना थोड़ा जहा ठीक जी क्वालिटी का हेलमेट मंगाया। यदि अनबॉक्सिंग तो हो ही गई जी, हम सिर्फ दिखाना ही है थानू, पर इन मैं कल आया सी, कल खोल के देख लिया सी। एक वाइट आया कला मिरर, स्टील बर्ड एयर SBA 2, बड़ा अच्छा हेलमेट है। मोटो ब्लॉगिंग लिए तो बहुत अच्छा है, सारा GoPro वाला सिस्टम सारा इतने लग जाएगा, वो भी कल तक आ जूगा। वैसे नॉर्मल लोग MCL नाल GoPro का इतने एक्सटेंशन चिपका देंगे, पर मैं वो कवर जहा मंगाया, देखते हैं वो कल आ जूगा, पता लग जाऊ उसकी भी क्वालिटी कैसी हुई, वो भी शेयर करेंगे थोड़े ना। अच्छा, बड़ा अच्छा हेलमेट है। इन्नी हेलमेट की जानकारी तो नहीं गई मैनू, बट क्वालिटी दी अच्छी लगती पी है, ठीक है। एक होर एक GoPro का एक्सटेंशन मंगवाया सीगा, इस सारा मेरा समान ही है, लैपटॉप है, ड्रोन है, ड्रोन दियाँ बैटरियाँ, एक छोटा मोटा जैसे GoPro वगैरह शाम को कहीं भी जाना मैं नाम नाल बैग उठा के ले जाना, एक गिम्बल है।
दो गोप्रो है, एक कहा थे, एक कहा है। आ प्लेट जी मंगाई गई दिल्ली गिंपल दी। इधर वो कितना? ਇਹ ਡੀਜੀਆਈ ਦਾ ਗਿੰਬਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਗਿੰਬਲ ਦੀ ਵੇਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਿੰਬਲ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੰਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਡੀਜੀਆਈ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਿੰਬਲ ਆ ਇਹਦਾ। ਡੀਜੀਆਈ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਰਡ ਹੈ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਮੇਰਾ ਡਰੋਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਟੇਬ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਟੇਬਲ ਇਹ। ਐਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਗਿੰਬਲ ਚਲਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਗੋਪਰੋ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਸ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਿੰਬਲ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਅੜਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗਿੰਬਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਟਰਾਈ। ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਲੋ, ਇਹ ਸਰਸੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਡੋਮੀਨੋਜ਼ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਲੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਵੀ ਆਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।